डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथ को पढ़ाना शुरू करते हैं। टेंथ क्लास के लिए मैथ सब्जेक्ट, ठीक है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम लोग जो अभी पढ़ रहे थे वो एपी पढ़ रहे थे। एपी मतलब अर्थमैटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 5.3 तक के, और 5.3 में क्वेश्चन नंबर 9 तक के डिस्कस कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरीके से बता रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन, ध्यान जरा क्वेश्चन को पढ़िए। दर्शाइए कि A1, A2 डॉट 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 से एक एपी बनती है यदि AN नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। तो प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा सवाल क्या बोल रहा है। सवाल ये बोल रहा है कि कोई एपी इस तरीके से बनता है। कैसा बनता है? तो A1, A2, A3 डॉट 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 डॉट, ऐसा कहीं AN हो रहा होगा, फिर आगे भी बढ़ते जा रहा होगा। यानी कि एपी जो है इस क्रम में आगे बढ़ रहा है, और इस क्रम में अगर आगे बढ़े तो दोस्तों इसमें बोला जा रहा है कि 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब इसके नीचे दो गो सवाल है, पहला नंबर और दूसरा नंबर, ठीक है। पहला नंबर सवाल है AN का वैल्यू कितना, बराबर 3 + 4n, और दूसरा में वैल्यू दिया है AN का 9 - 5n। अब ध्यान से देखिए, A1, A2, A3 ऐसा करके क्या बनाता है भाई, ये एपी बनाता है। तो हमें क्या बोल रहा है कि 15 गो पद का योग ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें भी 15 गो पद का और इसमें भी 15 गो पद का। तो हम लोग दोनों में जो एन का वैल्यू रखेंगे वो 15 रखने वाले हैं। लेकिन बात को समझिए, हम यहाँ पे दो गो क्वेश्चन सवाल में है, लेकिन हम किसी एक क्वेश्चन को बताएंगे, आपको दूसरा क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले पहला सवाल में लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है भाई, तो AN का वैल्यू दिया है 3 + 4n दिया हुआ है। जब N का मान अगर 1 रखेंगे, क्यों, क्योंकि A1, A2, A3 ये सबसे APF स्टार्ट हुआ है, तो आप अगर A1 रखेंगे माने N का मान 1, तो यहां बनेगा 3 + 4 × 1, N का वैल्यू 1, तो टोटल कितना आएगा दोस्तों, 7। उसी तरीके से आप A2 निकालो, यानी कि इसमें A1, A2, A3 का मान आप निकाल लो, तो यहां पे A2 निकालेंगे तो N के जगह पे कितना रखना पड़ेगा, 2। तो यहां 3 + 4 × 1 का डायरेक्ट कर दे रहे हैं 8, 8 × 3 = 11। फिर आप ऐसे ही A3 निकालिए, A3 कैसे, तो जहां N है वहां पे 3, तो ये तो 3 + में है, और 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 15। आप चाहें तो A4 निकालिए, A5 निकालिए, लेकिन हमें उससे कोई फायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके नीचे आप लिखिएगा अब जो AP बन गया वो कैसा बन गया AP भाई, तो A1 यानी कि प्रथम AP जो शुरू हो रहा था कहां से हो रहा था, A1 से शुरू हो रहा था, तो यहां पे A1 का मान कितना आया भाई, 7। फिर कॉमा, A2 का मान कितना आया, 11, तो यहां 11 रख दिया। फिर A3 का मान कितना रखा, 15। आप समझ पा रहे होंगे, अब इसको आगे तक बढ़ाना है और 15 पदों का योग बताना है। आप समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि दोनों ही सवाल में, चाहे ये रहे चाहे ये रहे, दोनों ही सवालों में हमको 15 ही पदों का योग निकालना है। तो यहां के बाद आप कैसे करेंगे, यहां पे अब लिखेंगे, यहां A का वैल्यू तो पता चल गया 7 प्रथम पद, D का वैल्यू बाद वाला पद माइनस पिछला पद, तो 15 - 11 कितना बन गया, 4। और 15 को पद बोल रहा है यहां पे, 15 पद का योग निकालना है, इसका मतलब ये किसका मान हो गया, N का मान हो गया, तो यहां पे दे दिया N का मान, सॉरी N का वैल्यू 15, ठीक है। अब हमें योग निकालना है भाई, तो SN का फॉर्मूला में आप पुट कर दीजिएगा, SN के फॉर्मूला से चल के आप इसका आंसर निकाल दीजिएगा।
तो हम आपको इन चीजों को समझा चुके हैं कि A1, A2, A3 एक एपी बना रहा था, तो आप A1 का मान निकाल लीजिए जो दिया हुआ सवाल है, इससे चल के आप A1 निकालिए, n के जगह पे 1 रखिए, n के जगह पे फिर 2 रखिए, 3 रखिए, आपकी इच्छा है तो 4, 5, 10, 11 तक जाइए, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमें तो एपी चाहिए ना भाई, एपी का शुरू वाला 2-3 ठो चाहिए तो हो जाएगा मेरा काम, तो क्यों उतना टाइम बर्बाद करेंगे, पेज बर्बाद करेंगे सब चीज। तो आप चीजों को समझे, वैसे ही दूसरा वाला में क्या करना होगा, आप लिखेगा दिया है एन का वैल्यू 9-5n, एन के जगह पे A1 निकालिएगा, A2 निकालिएगा, A3 निकालिएगा, तो कुछ एपी बनेगा ना यहाँ पे, अलग अलग मान आएगा, अलग अलग मान निकालिएगा, लेकिन उसमें भी आपको 15 पदों का योग पूछ रहा है, इसमें भी 15 पदों का योग पूछ रहा है, तो लास्ट में इसमें भी मतलब एन का वैल्यू आप 15 यूज करिएगा, ए और डी का मान अलग आएगा क्योंकि यहाँ पे एपी अलग बनाएगा इसके लिए, ठीक है। तो जैसे हम पहला क्वेश्चन को सॉल्यूशन किए हैं, इसमें भी अधूरा आपके लिए छोड़े हैं एसएन का वैल्यू, और दूसरा क्वेश्चन तो पूरा छोड़ दिए हैं, जैसे पहले में हम A1, A2, A3 निकाले, आप दूसरे में भी निकालिए और फिर चीजों को सॉल्यूशन कीजिए। तो इस तरीके से हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन को करेंगे और आंसर मैच करेंगे। देखिए होता क्या है ना, कभी कभी आप जो आंसर भेजते हो हम सिर्फ बनाने का प्रोसेस देखते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं देखते हैं कि आप यहाँ पे n/2, 2a+n-2, हम ये चाहते हैं, हमको ये पता है कि आप कैलकुलेशन ठीक से करेंगे, ठीक है, तो हम बनाने का प्रोसेस देखते हैं कि आपका ठीक कैसा ढंग है बनाने का, उस बेसिस पे हम आपका करेक्ट करते हैं। और जहां तक आंसर का बात है तो हम भी तो कैलकुलेशन करेंगे, या फिर हम भी तो याद नहीं रखे हुए हैं पूरा आंसर कि इतना आंसर आया कि नहीं, तो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम, सर इतना आंसर आया नहीं और आप करेक्ट बोल देते हैं, तो करेक्ट हम उस आधार पे बोलते हैं आपका बनाने का तरीका पे। अगर अब आपका आंसर नहीं आ रहा है तो सिंपल 100% गारंटी, आप जोड़ घटाव में गलती किया, आप उसको खुद से रिचेक कीजिए कि आखिर मेरा आंसर क्यों गलत आ रहा है, ठीक है। तो इन चीजों पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 कुछ इस तरीके से है, यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग 4n-n² है, जरा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बढ़िया है, क्या बोल रहा है भाई, यदि किसी एपी के प्रथम एन पदों का योग, यानी कि सवाल में दिया है, क्या दिया है, तो एन पदों का योग का मतलब एस है का वैल्यू दे दिया कितना, 4n-n², ठीक है। तो इसका प्रथम पद s1 क्या होगा, देखिए सवाल पढ़ते जाइए और आप चीजों को लिखते जाइए, अक्सर लोग क्या करते हैं ना, एक बार सवाल पूरा पढ़ लेते हैं और फिर उनको पता नहीं चलता कि क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, कैसे सॉल्यूशन करना है। हमको क्या बोला कि n पदों का योग 4n-n² है, फिर आगे पढ़े तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या होगा, हमें क्या यहां पे बोल रहा है, s1 निकालना है, तो पहला तो हमें s1 निकालना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, प्रथम दो पदों का मतलब यह हुआ कि शुरू वाला का और दूसरे वाला का, तो प्रथम दो पदों का योग का मतलब s2 ना, आप समझिए, हम लोग अगर मान लिया जाए कि 2 है 4 है 6 है 8 है ऐसा एपी बना रहा है, ऐसा एपी बना रहा है तो हमको बोलेंगे कि प्रथम दो को पद को जोड़ना है, तो 4 और 2 मिलके 6 हो गया, तो ये जोड़ हुआ ना कितना पद का, तो 2 पद का, तो इसको s2=6 बोलेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, प्रथम दो पदों का योग क्या है, यानी कि s2 का भी मान निकालना है, ठीक है, s1 का भी मान निकालना है, s2 का भी मान निकालना है, फिर दूसरा पद क्या है, देखिए अब हमको सिर्फ दूसरा पद बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा, यानी कि फिर हमें बोला कि आप दूसरा पद ज्ञात कीजिए, ये सिर्फ बोला, पदों का योग नहीं बोला यहां पे, सिर्फ दूसरा पद का पद निकालना है। फिर आगे बोला इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए, तो इसी प्रकार हमको और कौन सा पद पूछ रहा है भाई, तो तीसरे पद भी आपको निकालना है, फिर बोल रहा है कि 10वें पद भी निकालना है,
समझना रहा है। फिर बोल रहा है इनमें पद भी निकालना है, इतना सारा क्वेश्चन है। अब आपको दिमाग हैंग हो रहा होगा, सर एक चीज देकर और इतनी सारी चीजें पूछ रही है, तो आखिर हम लोग करेंगे क्या, कैसे करेंगे, सिचुएशंस कैसा है और हम लोगों को कैसा दिमाग लगाना पड़ेगा। आप अगर अच्छा से देख पा रहे होंगे क्वेश्चन, तो एसएन का वैल्यू 4n माइनस एन स्क्वायर दिया है, तो आप क्यों एसएन S1 और S2 निकालने में हिचकिचा रहे हैं। आप यहां पे लिखिएगा उसके नीचे, चूंकि एसएन का वैल्यू 4n माइनस एन स्क्वायर राइट, इसलिए S1 का जगह पे मतलब कि n के जगह पे 1 रख देना है, तो S1 का आंसर हो जाएगा, n के जगह पे 1 रख दीजिए तो 4 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 − 1 मतलब कि 3, यानी 1 का आंसर आ गया दोस्तों S1 का वैल्यू। तो हम यहां पे टिक मार दे रहे ताकि आपको ये पता लग सके कि S1 का हम लोगों को आंसर आ चुका है। चलिए फिर क्या बोल रहे हैं कि दूसरे पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग यानी कि S2, तो अब लिखेगा पुनः हम कर रहे हैं S2, तो S2 कैसे करेंगे, तो n जहां जहां है उसको 2 रख देना है, तो 4 × 2 − 2 का स्क्वायर, ऐसा तो 4 × 2 = 8, 8 − 4 तो 8 में से 4 गया बचेगा 4, तो S2 का वैल्यू कितना आ गया 4, समझ पा रहे ना आप। S1 का वैल्यू 3 है और S2 का वैल्यू 4 है। अभी तक के जितना सवाल बोला उतने से हमें 2 का मान पता चल गया। 2 का मान कौन कौन सा भाई, तो एक S1 का और एक S2 का, ठीक है। चलिए अब 2 का वैल्यू आ गया, यानी कि अभी हम लोगों को 4 का आंसर बाकी है। कौन कौन सा पद निकालना है, दूसरा पद, तीसरा पद, दसवां पद, एनवां पद। दोस्तों दूसरा पद कब निकलेगा, जब a + d उसका एक कम होता है। तीसरा पद कब होगा, a + 2d निकालेंगे तो तीसरा पद हो जाएगा। दसवां पद कब होगा, a + 9d राइट। चलिए तो अभी क्या करना है, इतना चीज को निकालने के लिए अभी हम लोगों को कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि S1 और S2 तो निकल गया। अब फिर से हम मिटाते हैं ऊपर से और फिर आपको समझाते हैं कि आखिर बाकी की जो चीजें दी गई है उसको आप कैसे निकालेंगे। आप लिखिएगा चूंकि S1 का वैल्यू कितना है दोस्तों 3। S1 का फार्मूला का मतलब कि पहला पद यानी कि n/2 होता है, तो यहां हो जाएगा 1/2 into 2a + n − 1, तो n के जगह पे 1 − 1 × d = 3, 3 हो गया। अब यहां से आप चलेंगे तो 1/2 और ब्रैकेट में 2a, 1 में से 1 गया कितना 0, और 0 को किसी संख्या से गुना करते हैं तो 0 = 3। हम देखिए यहां पे S1 से निकाल रहे, S1 बराबर 3 है ना, तो S1 बराबर 3 है तो यहां से हम लोग n के जगह पे 1 कर लिए, n/2 होता है तो n के जगह पे 1, तो उसके वजह से हम लोग यहां पे कैलकुलेशन करने वाले हैं। अब इस 2a में किसी संख्या 0 को जोड़ते हैं तो वही रहेगा ना, तो 1/2 × 2a = 3, 2 से 2 कट गया इसलिए हम लोग बोलेंगे a बराबर कितना 3। अब इससे चल के हम लोगों को क्या पता चल गया, a का मान पता चल गया। फिर लिखिएगा, अब इसको हम मिटाते हैं, ध्यान रखिएगा दूसरा तीसरा दसवां तेरहवां पद निकालना है, ठीक है। अब लिखिएगा अब S2 का मान कितना आया भाई, तो अब S2 का मान हम लोगों को 4 आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी मिटाते हैं जगह के अभाव के कारण, S2 का वैल्यू 4 आया। अब देखते चलो भाई, S2 का वैल्यू 4 है तो इसका फार्मूला क्या निकालेंगे, ये दो पद ना SN होता है तो N के जगह पे कितना है 2, तो यहाँ n/2 का मतलब 2/2, 2a + n − 1 तो n के जगह पे 2 − 1 × d = 4, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं आपको, ये तो कट गया 2 से ये 2 एक बार में, तो एक तो गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2a तो a का वैल्यू आया ना भाई 3, तो 3 × 2 = 6 प्लस 2 में से 1 गया 1 और 1 को d से गुना करेंगे तो 4।
इसलिए डी का वैल्यू कितना हो गया 4 माइनस 6 यानी कि माइनस 2। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे कि डी का वैल्यू भी हमें आ गया माइनस 2 और ए का वैल्यू 3। तो अब दोस्तों हम आपसे सवाल पूछते हैं कि अब कैवा पद भी बोलेगा तो हम लोग नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां पे सवाल बोला आपको दूसरा पद, तीसरा पद, फिर बोला दसवां पद, फिर बोला एनवा पद, ये इतना का आंसर निकालो। तो भाई दूसरा पद का निकालना होगा तो आप लिखिएगा दूसरा पद बराबर ए प्लस डी, क्योंकि इसके लिए तो एक कम हो जाता है, और ए का मान कितना भाई 3 और डी का वैल्यू माइनस 2 तो 1 हो जाएगा। वैसे ही आप तीसरा पद नहीं निकाल लेंगे, तीसरा पद के लिए आप फॉर्मूला ए प्लस 2d यूज कीजिएगा, और 2d यूज कीजिएगा तो सब्जेक्ट ए और डी का मान यहां से निकाले रख दीजिएगा, इस तरीके से इसका भी आंसर आ जाएगा, इसका भी, इसका भी। दसवां पद के लिए आप क्या यूज कीजिएगा, ए प्लस 9d, उसका भी आंसर आ जाएगा। लेकिन अब एनवा पद के लिए भाई, तो हम क्या बोले, एनवा पद के लिए आपको क्या करना है, जैसे दसवां था तो एक कम हो गया, 10 में एक कम हो गया 9, तो इसी तरीके से ए प्लस एन में भी एक कम होगा तो एन माइनस 1 और इन टू डी, ए के जगह पे और डी के जगह पे रखिएगा और एन के मान वैसे ही छोड़ देना है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ए के जगह पे कितना 3 और डी के जगह पे माइनस 2, तो माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3d, सॉरी यहां पे भाई मिस्टेक हो रहा है। देखिए यहां पे क्या बोला, एनवा पद ना, तो एनवा पद जब भी निकालना होगा तो हम क्या बोल रहे हैं, दसवां का मतलब नवा, क्यों, क्योंकि 10 में से एक घट गया, उसी तरीके से ए तो रहेगा ए प्लस, लेकिन एनवा पद का मतलब कि एन माइनस 1 इंटू डी, एक कम होके डी हो गया। अब ए का मान 3 रख देंगे, एन का मान तो पता नहीं है तो एन का मान छोड़ देंगे एन माइनस 1, और डी का वैल्यू माइनस 2, तो कुल मिलाकर इसका आंसर हो जाएगा 3 और ये माइनस 2 को एन से माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2, तो यहां 3 और 2 5 माइनस 2n, तो ये हो जाएगा एनवा पद का आंसर। एनवा पद में मतलब कि एन का वैल्यू छोड़ देना है और ए और डी का मान खाली पुट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से था क्वेश्चन नंबर 11, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हम लोगों को दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन से आपको स्टूडेंट्स डरना नहीं चाहिए, इनसे कुछ सीखना चाहिए कि अगर ऐसा सवाल मिले तो हम लोगों को कैसे हैंडल करना चाहिए। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 किस तरीके का है, क्या सिचुएशन दिया है, चलिए उसको समझते हैं। पहले 12 बोल रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए, 40 गो धन पूर्णांक चाहिए जो 6 से विभाज्य है। यानी देखिए, हम लोग पिछला चैप्टर में, पिछला एक्सरसाइज में हम लोग ऐसा पढ़े थे कि 4 से विभाजित होने वाला, लेकिन वहां कंडीशन था कि 10 और 250 के बीच में, लेकिन ऐसा कंडीशन कहीं नहीं बोले, तो आप शुरू से अविभाज्यता का बताएंगे। जैसे आप सोचो, हम बोले कि 5 से कटने वाला संख्या बताओ, सिर्फ हम ये बोले 5 से विभाजित होने वाली संख्या, तो आप क्या बताओगे, क्या आप 20 से शुरू करोगे? नहीं, आप तो 5 से शुरू करोगे, सर 5 10 15 20 ये सब सारी संख्याएं 5 से कटती है। लेकिन अगर हम ये बोले कि 5 से कटने वाली संख्या बताओ 32 के पार होना चाहिए और 100 के पहले होना चाहिए, तो आप कहां से शुरू करोगे, आप 35 से शुरू करोगे, क्योंकि 5 से 35, 5 से 30 तो कम हो जाता है। हम बोले 32 के पार बताना है और 100 के नीचे बताना है, तो आप 95 तक जाओगे, क्योंकि 100 तो कट रहा है और 100 से नीचे जाना है, 100 तक भी नहीं जाना है। तो इसलिए इन सवाल को अच्छे से देखिए, तो क्या बोल रहे हैं, 6 से विभाजित होने वाली प्रथम 40, प्रथम 40 का मतलब शुरू से लेकर 40 गो धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। आप सोचो, इसमें एक एपी बनाना है 12 में, और एपी कैसे बनेगा भाई, तो
आप खुद सोचो भाई कि 6 से कटने वाली संख्याएं क्या होंगी, 6 से कटने वाली संख्याएं। तो आपको पता चलेगा कि 6 से कटने वाली जो संख्या होगी वो कितने से शुरू होगी, वो संख्या 6 से शुरू होगी, ठीक है। तो इसका जो एपी बनेगा वो 6 बनेगा, फिर 12 बनेगा, फिर 18 बनेगा, फिर 24 बनेगा। ऐसे ही कितना पद तक निकालना है, यानी कि शुरू का कितना गुण निकालना है, 40 गो का जोड़ना है। जैसे ये एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, अगर इतना तक के आप जोड़ते हैं तो 4 गो को जोड़े। ऐसे ही करते 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 40 पदों तक योग आपको ज्ञात करना है। तो क्या प्रॉब्लम है भाई, 40 पदों तक योग ज्ञात करना है। तो यहां पे हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे यहां पे अगर लिखा जाए, यहां ए का वैल्यू कितना दिया है 6, डी का वैल्यू कितना दिया, तो बाद वाला माइनस पहले वाला, तो 12 माइनस 6, और कै गो पद तक जोड़ना है, टोटल 40 गो पद, इसलिए एन का वैल्यू दे दिया 40। अब इसमें जो योग ज्ञात करना है तो एस एन का फॉर्मूला लगा देना है, एन बाय टू टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो कुल मिलाकर मुझे उम्मीद है एंड पूर्ण विश्वास है कि आप इन क्वेश्चंस को जब इतना हिंट्स कर दिए तो आप खुद बना सकते हैं। तो यहां तक के बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्योंकि ये फार्मूला से रिलेटेड है। सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा था यहाँ पे कि कोई भी विभाज्य बोलेगा तो सबसे पहले आप एपी बनाइए, और एपी बनाने के बाद प्रथम पद, सार्व अंतर और एन का मान आप पुट कर लीजिए वहां से जो दिया गया चीज है, और फिर आप उससे निकाल लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 13 नंबर, ठीक है। बोल रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। तो वही बात हुआ, इसमें बोल रहा है कि 8 का प्रथम गुणज, भाई 8 से विभाज्य बोले या फिर गुणज बोले तो दोनों एक ही होता है। जैसे 8 का गुणज अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे कि 8 होगा, फिर 16 होगा, फिर 24 होगा, फिर 32 होगा, है ना। यानी कि 8 का गुणज का मतलब होता है 8 का पहाड़ा, ठीक है। या फिर कटने वाला भी बोले, विभाजित होने वाला भी बोले, तब पर भी वही सिचुएशन आती है। तो यहां बोल रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ एपी कैसे बनाएंगे भाई। तो 8 का प्रथम गुणज 15 वो गुणज पूछ रहा है, जैसे 8 लिखे, फिर 16 लिखे, फिर 24 लिखे, तो कै गो गुणज हुआ, एक गो, दो गो, तीन गो, तीन पद हुआ, मतलब तीन गुणज। फिर अगर 32 लिखेंगे तो 4 गो गुणज हो गया। ऐसे ही कब तक, 15 तक, यानी कि 15 पदों का योग निकालना है। क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां लिखना आप ए का वैल्यू 8, डी का वैल्यू बाद वाला माइनस पहले वाला, एन का वैल्यू कै गो पद तक, तो 15 पद तक, तो यहां लिख दिया 15। और इसलिए योग ज्ञात करना है, एस एन का फार्मूला लगा देना भाई, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। तो ये बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ फार्मूला पे तोड़ना आना चाहिए। और देखो कोई चीज हार्ड होता नहीं है अगर आपका जोड़ घटाओ गुणा भाग ये तीन चार चीज सही है तो, क्योंकि सभी चीजें उसी पे डिपेंड करती है। अभी हम लोग क्या सीखे, सिर्फ एपी नाम आया, एपी का नाम के साथ साथ उसका दो गो काम आया, ए एन आया और एस एन आया, लेकिन सब तुम्हारा क्या है, गुना भागा जोड़ घटाओ पहले की क्लास का है, इसके पिछले वाली क्लास की है। यानी कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे ना, पढ़ना 9th में है, 10th में, 10th में हो अभी आप, 11th 12th आगे ग्रेजुएशन करोगे, सब में क्या है, नई चीजें सीखने को मिलेगी, बस थोड़ा सा नया होगा, बाकी सब तुम्हारा तो पीछे वाला कंप्लीट होना चाहिए। अब लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम होगा, क्यों, क्योंकि उनको जोड़ने में प्रॉब्लम है, घटा नहीं सकते अच्छे से, डिवाइड अच्छे से नहीं कर सकते, तो ये चीजें प्रॉब्लम होती है। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या बोल रहा है 14 में, 0 से 50 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात करो। सिंपल है भाई, 0 से 50 के बीच विषम संख्या। अब विषम संख्या तुमको प्रॉब्लम आएगा,
अब विषम संख्या तो शुरू में पड़ता है, किसम संख्या किसको कहते हैं, विषम संख्या किसको कहते हैं, तो विषम संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जो दो से पूरा पूरा नहीं कटे, और विषम संख्या हमेशा एक से शुरू होता है। एक हुआ, फिर तीन हुआ, पांच हुआ, सात हुआ, नौ हुआ, ग्यारह हुआ, ऐसे ही बढ़ते रहता है। यानी कि विषम संख्या का शुरुआत एक से होता है। अब इसमें बोला कि जीरो से लेकर पचास के बीच में, तो पचास के पीछे से अगर देखा जाए तो अंत कहां करेगा, उनचास तक अंत करेगा विषम। यानी कि आप यहां पे एपी बना लो भाई, एपी कैसे बनेगा, तो यहां पे जो एपी बनेगा जीरो से लेकर पचास के बीच में विषम संख्या, तो एक आएगी, तीन, पांच, सात, ऐसे करते करते पचास के बीच तक यानी कि उनचास तक जाएगा, जाएगा ना भाई, बिल्कुल जाएगा। आप करना क्या, यहां पे, यहां पे आप लिखो दिया है, क्या दिया है भाई, तो ए का मान तो दे दिया वन, डी का मान बाद वाला माइनस पहले वाला, यानी कि तीन माइनस एक यानी कि दो। अब अंतिम पद, क्योंकि अंत अंत न कर रहा है, देखिए यहां पे वहां पद नहीं बोला कि इतना वहां पद ज्ञात करो, कुछ नहीं, सिर्फ उनचास तक ये जो एपी है वो लास्ट हो गया है, फिर आगे नहीं बढ़ रहा है, तो यानी कि ये अंतिम पद हो गया। तो यहां पे लिखना एन बराबर उनचास, और फिर इसका क्या करना है, सवाल में लिखा है आप इसका जोड़ कर दो, यानी कि यहां पे भी जोड़, यहां पे भी जोड़, ऐसे ही जोड़ निकालना है, ठीक है, ऐसे ही जोड़ निकालना है। तो जोड़ निकालना है का मतलब क्या, एसएन निकालना है, और एसएन का तुम फार्मूला लिखेगा, तो एसएन के फार्मूला में कुछ ही होगा, तो एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, ये वाला फार्मूला यूज करेगा। अब जब डायरेक्ट तुम ये वाला यूज करेगा फार्मूला तो तुम फंसेगा, क्यों, क्योंकि सर एन के तो वैल्यू भी नहीं देवल है, तो एन का वैल्यू नहीं देवल है, तो इसी का तो नाम है मैथ। अब तुम सोचो कि इधर से जो दिया गया चीज है उसमें से तुम कहां से एन का मान निकाल सकते हो, तो हमको पता चला कि इस एन का फार्मूला होता है ना भाई, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, एन का फार्मूला हो गया बराबर में उनचास, ए का मान दिया हुआ है ए का मान रख देना, डी का मान दिया है दो रख देना, यहां से चलते चलते तुम एन का मान निकालना, पहले पहले ये काम करना है, जब एन का वैल्यू निकल गया तब ना यहां पुट करेगा तो एस एन का वैल्यू निकलेगा, इसलिए सबसे पहले तुम्हें चलना है एन वाला रास्ते से एन निकालना है, जब एन निकल जाएगा तब तुम्हें एस एन निकालना है, और जो यहां पे आएगा वो हम लोगों का आंसर होगा। तो इस तरीके से आप काम कीजिएगा, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिलहाल हम आपको हिंट्स देकर अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और अब पहुंचे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जरा उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है जरा देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लैंग्वेज प्रॉब्लम है ये। क्या बोल रहे हैं, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। देखिए बोल रहे हैं ना कि मान लिया कि बहुत सारे रोड वगैरह बनाना होता है, तो ठेकेदार ठेके लेते हैं कि हम जो है 10 दिन में या 15 दिन में ये रोड को तैयार कर देंगे, ठीक है। अब वो तो निर्धारित कर दिए ना डेट कि हम इसको 10 दिन में या फलना तारीख तक हम इस रोड को बना देंगे, लेकिन अगर वो कहीं उस दिन तक नहीं बनाते हैं तो सरकार ने उन्हें एक प्रतिबंध के रूप में उन पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान रखा हुआ है। सवाल ऐसे ही कह रहा है, सवाल क्या बोल रहे हैं फिर से पढ़ते हैं, निर्माण कार्य से संबंधित, अगर निर्माण कार्य का मतलब बिल्डिंग बना रहा हो, चाहे रोड बना रहा हो, चाहे कुछ भी बना रहा हो, वो निर्माण कार्य कर रहा है, किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा, विलंब का मतलब देर से पूरा होना, होने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप फिक्स कर दिए कि हमको इतना तारीख तक आप जो है हम बना देंगे इस रोड को या कोई भी बिल्डिंग को,
अगर उतना देर तक आप तैयार नहीं कर पाइए तो आपको जुर्माना भी लगेगा, ऐसा प्रावधान है। मतलब ऐसा बात हुआ होगा वो लोग के बीच की, जुर्माना देना पड़ेगा ऐसा करके कुछ। पहले दिन के लिए आपको 200 रुपया देना होगा, फिर दूसरे दिन के लिए 250 और तीसरे दिन के लिए 300, यानी कि हर एक दिन के बाद आपको 50 रुपया बढ़ता जाएगा। आपको जैसे मान लिया कि 10 तारीख तक डेट था, अब 10 तारीख तक अगर आप नहीं किए तो अब आपको 11वां दिन में आपको 200 रुपया जुर्माना देना होगा, यानी कि 200 रुपया आपको देना होगा हमें। अगर मान लिया 11वां दिन भी आप कंप्लीट नहीं किया तो 12वां दिन आपका अब हो जाएगा 250 रुपये। अगर 12वां दिन भी आप कंप्लीट नहीं किए तो आप जैसे ही 13वां दिन हो गया आपका देना होगा 300 रुपया। यानी मतलब ये हुआ कि एक तो आप कंप्लीटली किए नहीं काम, जब कंप्लीट नहीं किए, और जितना देर होगा, जितना दिन लगेगा, तो शुरुआती दिन जो होगा 200 रुपये से होगा, फिर अगला दिन वही आपको 250 रुपये देना होगा, हर दिन आपको 50 रुपये बढ़ते जाएगा, आप चाहे कितना दिन में कर लो। यानी कि अगर आप चीजों को देख पा रहे होंगे तो 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो उससे एक एपी बन रहा है। क्या, कौन सा एपी? कि हमें जो विलंब में जो पैसा देना पड़ रहा है जुर्माना के तौर पे, वो 200 से शुरू हो रहा है और फिर अगले दिन हो जा रहा है 250 रुपये, फिर अगले दिन हो जा रहा है 300 रुपये, फिर वैसे ही बढ़ेगा तो अगले दिन 350 रुपये होगा। यानी कि यहां से पता चल रहा है कि जिस दिन से जुर्माना स्टार्ट हुआ है पहले दिन की अपेक्षा दूसरा दिन हर दिन 50 रुपया बढ़ते जाएगा, ऐसा सवाल में लिखा है। एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करने पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब लेता है? आप समझो, अगर वो 200 रुपया कब देता, जब एक दिन का विलंब होता, और 2 दिन का विलंब कब अगर होता, अगर मान लिया कि 2 दिन वो ज्यादा समय लेता तो कितना पैसा देता, तो 200 और 250 जोड़ के देता ना, क्योंकि 2 दिन लेट किया है। अगर वो 3 दिन लेट करता तो पहला दिन का, दूसरा दिन का, तीसरा दिन का, तीनों को जोड़ करके वो जुर्माना देता। तो वैसे ही सवाल में क्या बोल रहा है कि अगर इस कार्य में 30 दिन का विलंब होता है, समझो ये पहला दिन हुआ, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथे दिन, ऐसे करते करते 30 पदों का योग निकालना है, 30 पदों का योग निकालना है, तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। आप यहां से देख लो, यहां से सब कुछ बताना नहीं पड़ेगा। ए का वैल्यू दिया, घटा लेंगे तो डी का वैल्यू हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा 30 पद, क्योंकि 30 दिन का वक्त लगा है, ये 1 दिन हुआ, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, वैसे ही 30 दिन, यानी कि 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 30 पदों तक। तो यहाँ पे ए का वैल्यू दे दिया, डी का वैल्यू घटा लेंगे, एन का वैल्यू 30, तो एस एन का वैल्यू निकाल देना है। तो कुल मिलाकर मुझे उम्मीद है कि जितने भी क्वेश्चंस को हम हिंट्स किए हैं आप जरूर सही सही बनाने का तरीका हो या फिर सही आंसर हो जरूर लाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद।